धार जिले की औद्योगिक नगरी पीतमपुर के सेक्टर नंबर 3 थाना अंतर्गत तालाब में सुबह एक युवक की लाश तैरती नजर आई। आसपास के रहवासियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के तुरंत रहवासियों की मदद से युवक की लाश को बाहर निकाला। युवक की पहचान विनोद पिता कुंडलिक राव उम्र 26 वर्ष निवासी बैतूल के रूप में हुई। युवक पास ही की कॉलोनी में अपने छोटे भाई प्रमोद के साथ रहता था। वह 17 मार्च की रात 12 बजे के बाद से विनोद गायब था। मैंने सुबह से भाई की जगह जगह तलाश की और शाम को थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने लाश का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें शरीर पर चोट या अन्य किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले हैं। मृतक की जेब से मोबाइल व पर्स जब्त हुआ है। मृतक विनोद का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिवार को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। पीतमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। जी बताए क्या है। 17 तारीख के रात 12 बजे से मेरा भांजा गायब था। उसके बाद 2 बजे नींद खुली अचानक, तो हमने उसे ढूंढना चालू किया, नहीं मिला तो सब ग्रुप फोन लगाए और आज के तारीख में वो तालाब में उसकी लाश। आपको सूचना कैसे मिली? हमें सूचना जाने आने वालों ने बताया कि किसी की लाश पड़ी हुई है, तो हम देखने गए तो वही। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र मूर्ति। मैं उनका मामा। सर बताए। बरदून तालाब में एक 26 वर्षीय व्यक्ति की लाश मिली है, जिसे पहचान करने पर विनोद मकोड़े नाम पता चला है, जो बैतूल आठनेर का रहने वाला है। पीएम कराया जा रहा है। पीएम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।